फाइनली भाई गाड़ी हो गया अपना लोड। भाई खुद भी नहा लिया, गाड़ी को भी नहला रहे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं टहल रहा हूँ थोड़ा बाहर। ये रही गाड़ी और यहाँ पे रहा फैक्ट्री, यहाँ से गाड़ी लोड होनी है। अपने पीछे एक RJ नंबर गाड़ी भी खड़ी है। बस आपको पता है डेली रूटीन का जो वर्क करता है, सुबह टॉयलेट ढूंढ रहा, उसी का प्रोसेस जारी है भाई। सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर सोनाले का कंपनी के। कितने चाहिए भाई? जिसको चाहिए वो भी हमें कॉन्टेक्ट करें। कुछ भी, चलो ये तो मजाक था, बाकी बहुत ट्रैक्टर हैं भाई यार। तो भाई बाथरूम वगैरह हुआ है, अब करते हैं सबसे पहले गाड़ी की थोड़ी साफ़ सफाई बाहर से, फिर बाद में करेंगे अंदर से। तो भाई बज रहे हैं अभी 10 और हम फैक्ट्री का वेट ही कर रहे हैं कि कब तक लोडिंग स्टार्ट करेंगे। यहीं बैठे हैं बाहर। क्या था भाई फैक्ट्री के अंदर, थोड़ा मुंह धो लिया और मैन चाहिए था पानी, हमें पानी भर के लाया क्योंकि यहाँ पे समझना उनको हिंदी नहीं आती, हमें यहाँ की लैंग्वेज आती बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही इशारों से समझ रहे हैं, हाँ पानी भरना है, बोलते कहते भर लो। अब देखते दोनों गाड़ियाँ वेट ही कर रही हैं, शायद उनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, RJ वाले भाई से पूछते हैं। तो अभी तक भाई ऐसा सीन है ना, तो फैक्ट्री वाले भाई ने नहीं बुलाया अंदर, कह रहे हैं हो जाएगी। और आज यहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम बन रहा है, वहाँ पे हमारे जम्मू तो 3-4 दिन से बारिश लगी है। और हम बना रहे हैं भाई आज पीले चावल, मतलब राइस बनाएंगे उसमें आलू सोयाबीन प्याज टमाटर सब मिक्स करके, और देंगे यहाँ से दही। काफ़ी दिन हो गए दही नहीं खाया, कल ही खाया था थोड़ा सा बस, बाकी लगाते हैं मस्त करके तड़का, बढ़िया था। भाई बन गया अपना खाना भी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बड़ा कंटेनर मतलब ट्राला आ गया ट्रैक्टर लेके, शायद यहाँ पे इनका गोदाम है, यहाँ से बनते हैं, कुछ पता नहीं है मुझे। पर ये देखो ट्रैक्टर और आए फैक्ट्री में। भाई खाना बन गया, दही और पीले चावल, पला येलो राइस कुछ भी हम कह सकते हैं। गेट अब खुला हुआ है, देखते हैं कब तक कांटे के लिए बुलाएंगे। किया ट्रांसपोर्टर का फ़ोन, कह रहा है मैं करवाता हूँ कांटा। भाई खाना खा लिया, अभी अंदर गया था पूछने के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा पानी कम था क्योंकि वहाँ पे तो सर्दी है, यहाँ पे गाड़ी गर्मी है ना, तो एक आधा लीटर पानी पड़ा इस पर। अभी हो गया पूरा बराबर, ओके करेंगे इसको बंद आराम से। खत्म। भाई फोन गिर गया था नीचे, बच गया। मैं तो कहीं नीचे गिरा, 2 मिनट तो मैंने उठाया नहीं, मैं नहीं भाई आज काम हो गया, क्योंकि वहाँ से गिरा इस पर लगा पर बच गया। अभी भाई यहाँ से RJ नंबर को पीछे करवाया क्योंकि वो एक TN नंबर यहाँ पे लगेगी, बैग करके अंदर जाएगी, वो मशीन से लोड होगी। आप नहीं कह रहे हो जाएगी, पता नहीं कब होगी। चलो हेल्प करनी चाहिए उन भाई के साथ, कनेक्टर नहीं था वो गाड़ी में पीछे लगवा के आया। अब देखो यही फंसी है यहाँ पे, डबल कट गाड़ी का ज़्यादा मुश्किल था। वो देखो कितना मुश्किल, फंस गई गाड़ी यहाँ पे भाई, लग रही है गाड़ी ऐसे ही कचरा सा ही है। हम मशीन से तभी लोड होगी, रिवर्स आ रही है अपनी फैक्ट्री के अंदर से होगी, कोई पता नहीं कब होगी। आ गया। अब देखते हैं इस पे क्या लोड होगा, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ बैठे बैठे। चलिए भाई अब जा रहे हैं कांटा करने के लिए यहाँ से बाहर, पहले अंदर कांटा, वो 20 टन का कांटा, वो छोटा थोड़ा कांटा। अब जाएंगे बाहर एक बीजे जिसके रात को लोकेशन लगाई थी, वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे है, वहाँ पे कांटा करेंगे फिर आएंगे। भाई यहाँ पे कांटा करवाने के लिए यहाँ पे कश्मीरी भाई की खाड़ी खड़ी है, वो इसके पीछे JK 3 अनंतनाग की, अपना कांटा होगा विशाल वेट ब्रिज, यहाँ से निकलेंगे फिर से लोडिंग के लिए। आगे भाई फैक्ट्री के अंदर गाड़ी वहाँ पे लगाई है, डाला खोल के, अभी देखते हैं कब तक लोड होगी, लोड करके तरपाल करके नहाएंगे। ये रुई है देखो, छोटी गाड़ियाँ ला रही हैं लोडिंग के लिए, लगा दिए गाड़ी, कपड़े वगैरह खोल के रखे हैं, हाथ ऐसे ही हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बाद में नहाएंगे, फटे वगैरह वो रख दिए गाड़ी। अभी शायद ये वाला बत्ता खोलना पड़ेगा, पूछ रहे हैं इसे कन्फर्म करें, फिर आगे वाला जो वहाँ पर पड़ा उसको आगे लगा लेंगे, नहीं तो अभी वो कह रहे हैं बोर्ड डाल के नाप के देखेंगे गाड़ी। चलिए भाई अभी 2 बज रहे हैं, अभी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं यार, लोड हो नहाएं। फाइनली भाई लोडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो पहले आगे वाला पत्ता खोला था उसको मैंने, आगे वाले को जोड़ा, पीछे वाला खोला क्योंकि उस सेब पे आगे वाले की जरूरत थी, इस पे पीछे वाले की जरूरत है, तो ये हो गया टाइट भाई। अब बस चाबियां पाए रखते, ये पत्ता खोल दिया सेकंड वाला, पहले वाला जोड़ दिया अच्छे से, क्योंकि बत्ते ना हो तो भाई गाड़ी और बेल्टों पर ये गाड़ी ना चलाएँ, क्योंकि इनमें देखा ना वो बत्ते खोलते हैं बेल्ट पर चक्कर लगाते हैं, उससे भाई बॉडी खुल जाती है गाड़ी की। रखते हैं टूल पर, अब बस लोडिंग स्टार्ट हो गई है, 2 बज गए, तो उसके बाद फिर नहाएंगे आराम से। काफ़ी शोर आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि फैक्ट्री चल रही है भाई, और यहाँ पे अभी 2 बार फ़ोन हाथ से गिर गया, मैं इसलिए ट्राइपॉड माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो कोई नहीं जैसे थोड़ा नहा तो धो लेते हैं, हाथ वगैरह साफ़ हो जाते हैं लोडिंग करके, उसके बाद सारा माइक से शूट करेंगे आपको अच्छी आवाज़
आएगी। बस भाई यहाँ से होने लगी अब लोडिंग स्टार्ट। सब भाई आ गए यहाँ पे लोडिंग करने, जो भी लेबर है अब जल्दी हो जाए क्योंकि उन्होंने रैंप बना दिया गाड़ी पे। वहाँ से बोरी से चल के आएंगे सीधा गाड़ी पे। और मेरा जो काम था कि बत्ते वगैरह मैंने सब कर दिया, बस अब माल गिनेंगे आराम से, गिन के तरपाल करेंगे फिर फ्री। पर लगता है अंधेरा पड़ जाएगा यहाँ से निकलते निकलते। हो गया भाई स्टार्ट, एक बैग पड़ गया अपनी गाड़ी पे। चलो बहुत उद्घाटन हो गया। काम आ गया बोरियों को प्रेस करना, पाऊ से माल को नीचे बिठाना आ रहा साथ साथ में माल। गाड़ी हमारी लोड हो गई है, मैं और चाचू अकेले कर रहे हैं। चाचू बोरियां सीधी कर रहे हैं, मैं उनको प्रेस कर रहा हूँ। बाकी सब भाई ले आ रहे हैं जल्दी जल्दी से, सब ला रहे हैं जल्दी। सभी भाई हाय कर दो। सभी ला रहे हैं। चलो प्यार बांटने से प्यार मिलता है भैया, सब किसी से बात करोगे तो वैसा ही करेगा। हालांकि इनको मेरी लैंग्वेज पूरी समझ नहीं आ रही, मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पर फिर भी भाई वाली बात है। आराम से वीडियो भी शूट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जब मेरे को शॉट लेना होता है भाई मुझे टाइम देते, बोलते शॉट लेके वापस जाके प्रेस करना, फिर मैं प्रेस करने फिर से चला जाता हूँ। अपनी गाड़ी भाई तीन धागे हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो पीछे छोटी सी लग रही है, मतलब बोरियां ऊपर आई ना, प्रेस करके कर माल आ रहा है भाई। ये आगे से देखो भाई कहाँ टूल था, हम कितने टूल से ऊपर हैं, वो छोटा सा लग रहा है क्योंकि हम सीधा भगवान से बात कर रहे हैं, ज़्यादा ऊपर हो गए हम, ऐसे हम मजाक कर रहे हैं। आगे चार चार करने का था। चार फोर फोर चार 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 में माल पूरा आने का नहीं आने का नहीं आया। भाई हो रही है लोड, यहाँ पीछे आया तो थक गए भाई, दबाद के बोरियाँ यहाँ पीछे आए हैं। यहाँ पे फोन रखूँगा, यहाँ से लूँगा टाइम स्लैप एक, पता जाके बोरियाँ प्रेस करूँगा। हाइट हो गई अगर गाड़ी कितनी, भाई जब तक लेबर काम कर रही है तब तक हमें भी काम करना पड़ा साथ साथ। अभी हो रहे हैं 3:34, तो लेबर ने लंच ब्रेक लिया तो हमें भी टाइम मिला खाना खाने का। मैं आ रहा हूँ बाहर दुकान पर दही लेने के लिए, बस हो जाए लोड ना, फिर एक बार कांटा करवा के तरपाल करवा के फ्री हो जाए, फिर रात को अंधेरे में ना भी लेंगे तो पास थोड़ा लाइट लाइट में हो जाए ना। दुकान तो यहीं थी, किधर की, यहीं यहीं है। फाइनली भाई गाड़ी हो गया अपना लोड, ये देखो रस्सा कर दिया, एक एक बोरी पे जा रहे कांटे पे कांटा करवाने, माल होके निकला, जितना वेट चाहिए उतना वेट हो गया। तो भाई फिर करेंगे तरपाल रस्सा। साथ में एक आरजे वाली गाड़ी यूपी जा रही है, वो भी हो रही है लोड। तो और भाई को पुड़ाते फटे फटे लगा के चले कांटे पे, बताना कैसी लग रही है। फटे पे लगा दिए डाला भी, हाँ जी वो आगे है ना रेडी। भाई तो कह रहा है आगे जाने दो, पर आगे हमारे से बड़ी गाड़ी खड़ी है, हम कहाँ जाएंगे भाई। अब जा रहे हैं कांटे पे कांटा करवाते हैं। तो बस तो भाई कर रहे हैं अब तरपाल डाल दिए, बस तरपाल के एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए और देखने में बढ़िया लगना चाहिए ना। यहाँ से ज़्यादा हो गया थोड़ा, फिर से काम उससे खींचना पड़ेगा। तरपाल करके मिलते हैं भाई यार, फिर यहाँ पे ना कहाँ रखूँगा फ़ोन, तो रखते हैं कहीं पे टाइम स्लैप लेते हैं। फाइनली भाई थोड़ा अंधेरा, अभी लाइट वगैरह कुछ निकाली नहीं है, वो रही अपनी गाड़ी तरपाल सब पूरा ओके हो गया एकदम मस्त। ये कांटा यहाँ पे है पानी, सबसे पहले नहाना है यार, कपड़े धोने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, पानी इतना नहीं है, कपड़े धोने कल किसी ढाबे पे। अभी बिल्टी मिलेगी थोड़ा लेट, तो अब जिस रास्ते जाए उस रास्ते से नहीं जाएंगे, उस रास्ते पर रेलवे फाटक हैं और वो काफ़ी डाउन है, इतनी हाइट पर गाड़ी वहाँ से निकलेगी नहीं, तो एक नया रास्ता है लंबा थोड़ा, वो आरजे का वेट करेंगे फिर निकलेंगे वहाँ से, आरजे वाली जो गाड़ी है उनका। भाई खुद भी नहा लिया, गाड़ी को भी नहला रहे हैं,
आगे से शो शो गाड़ी की भी धो लें, बाल्टी है अपने पास, पानी भी यहाँ पे पास पे या तो धो लेते हैं, कपड़े वगैरह तो कल धोएंगे, बाकी गाड़ी कल धोएंगे आगे से अच्छे से, कहीं ढाबे में अच्छा सा पानी मिला तो चलते, टाइम ही नहीं लगता है। नहा लिया ब्रश करने के, अभी याद नहीं है ब्रश करना है। तो टोटली भाई सब काम अपना हो गया, गाड़ी भी धो ली, खुद भी खुद को भी धो लिया, नहा लिया, बस अब अगरबत्ती करने का टाइम शाम का। बिल्टी वाले भाई करेंगे फोन तो तब जाएंगे, तब तक आरजी वाले भाई भी तिरपाल कर लेंगे जो बगल में गाड़ी लगाई है, क्योंकि थोड़ा नए रास्ते से जाना, तो अपना ही कहां तक का साथ है यार, मैं कुछ बार बार पूछा था कहां जाता, ग्वालियर है भाई का घर, वहां से यूपी के लिए निकलेंगे तो हम आगे के निकलेंगे, वहां तक तो अपना साथ है, साथ ना के चलेंगे यार, वो भी अकेले हम भी अकेले, चलो मिलजुल के चलेंगे। तो करते हैं अगरबत्ती, फिर करते हैं पार्टी वाले का वेट और नो एंट्री खुलने का वेट। तो भाई बैठे हैं अभी यहाँ पे, बज के रात के 11, तो आज हमारा प्लानिंग थी खाना बाहर खाने की, कहता है प्लानिंग रह जाएगी क्योंकि नो एंट्री भी है यहाँ पे, पर नो एंट्री 11 में खुलती है, पर जैसे बिल्टी लेनी वो कह रहा है, उसको फोन करें, कह रहा है 10 मिनट रुको शायद, देखते हैं कितना टाइम है, आरजे वाले भाई भी नहीं गए, तो चलो जितना थोड़ा लेट निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से रास्ता हाईवे है तो ट्रैफिक कम रहता है रोड पे, वो तो दिक्कत भी नहीं है, पर है कि निकले यहाँ से पहले, मैंने की भूख लग रही है, क्यों बोलो भाई, लग रही है भूख हल्की हल्की, और क्या भूख बहुत है, देखो थोड़ी मेहनत है ना, मतलब मेहनत होगी, उसको प्रेस करते रहे, उसके बाद रस्सा तरपाल किया और चावल खाए थे, और आज हमने रोटी इसलिए बाहर खानी थी, बनानी अपनी थी, मैंने ये था ना यार अपनी भी आज गर्मी है, चावल नहीं, राशन भी थोड़ा थोड़ा था, सब्जी खत्म थी, साथ में ना फुलके खाने का मन कर था आज, और आप गाड़ी में बनाए थे, पर यहाँ पे थोड़ी गर्मी है यार, श्रीनगर हो या जम्मू साइड फिर तो बनाते हैं, फिर तो खुश होकर बनाते हैं, थोड़ी आग सेकने को मिलेगी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, तो सोचा था बाहर खाएंगे, पर देखो अभी यहाँ पे आगे ढाबे हैं, आते हुए तो देखे, अब देखते हैं जाते हुए क्या बनता है। तो भाई पूरी अपनी गाड़ी अभी बिल्टी मिली रात को 12:30 बजे, यार लेट करवा दिया थोड़ा व्यापारी ने, बाकी सारी गाड़ियाँ निकल गई अपनी, हम भी अब जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो कर रहे हैं भाई सिटी क्रॉस, रात को सुनसान पड़ी है सिटी, बिल्कुल कोई भी नहीं, कोई ही चल रहा है। तो गाइस बज रहे हैं 2, वरंगल तो सिटी तो हमने क्रॉस की, उसमें काफी चले है, कम से कम 80 किलोमीटर चल के, तो अब वहाँ पे चल ही रहे हैं, और रास्ता बिल्कुल मतलब ऐसा ही रास्ता है पूरा, जब से हम चल रहे हैं 80 किलोमीटर, ना कोई ज्यादा मोड़ है, बिल्कुल सीधा अप डाउन, और रोड ही बड़ी अलग किस्म की, मतलब एक बराबर रोड भी नहीं है, बैलेंस नहीं है, ऐसे ऐसे गाड़ी इधर ऐसे ऐसे, कहीं इधर से डाउन है, कहीं उधर से डाउन है, तो आगे एक 14 चकाने अन्ना की गाड़ी जा रही है, TN नंबर तमिलनाडु, बस उनके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, और यहाँ पे ना कोई घर है, ना कुछ, मतलब ना कोई लाइट दिख रही है, बस ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसा रोड, और ऐसा ही चले जा रहे हैं, मतलब कम से कम 75 किलोमीटर से कंटिन्यू। और आज खाना समझो 2 बज गए और अभी नहीं खाया है आज, आज का प्लान अब कैंसिल। मेरे को लगता है जब तक ढाबा मिलता है या कुछ मिलता है तब तक चाय वाला काम हो जाएगा, ब्रेकफास्ट वाला, देखते हैं यार, भूख तो लग रही है, अब क्या कर सकते हैं, होता है लाइफ में कभी ऐसा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो भाई कंटिन्यू 3 बज गए, चलो टाइम तो बढ़ता रहता है, और हम भी भाई अपना ना जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी लाइन पर पहुंचने ही वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में, फिर हमें कोई ढाबा मिलेगा, अब चाय पीने का टाइम हो गया अपना, लंच डिनर तो हमने कैंसिल कर दिया आज। गाइस फाइनली एंड फाइनली कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड हमको मिलती हुई NH 44, अब हमें टेंशन नहीं, हमें पता है यही 44 है, हमें जगह अमृतसर से छोड़नी है, अब जलंधर से हमें सीधा अमृतसर जाना है, तो वहीं छोड़नी है, तब तक यही रोड एक ही रोड है, और गाड़ी वाला लाइटें कर रहा है कि मेरे को जाना है, भाई जा यार, हम कौन सा को रोक रहे हैं यार, आप जाओ, आप मेन रोड से आ रहे हो, हम लिंक रोड से आए, हम वेट करेंगे, आप जाएंगे हम जाएंगे सर, ये रास्ता चला गया यहाँ से हैदराबाद बंगलोर कन्याकुमारी, यहाँ से काफ़ी चलने के बाद एक ढाबा आया है, चलते हैं ढाबे पे, देखते हैं क्या मिलेगा खाने को, सुरेश फैमिली ढाबा, काफ़ी ट्रक रुके हैं, हमारी भी कोशिश यही लगा कि सोएंगे यार, मतलब 4 बजे 2 घंटे सो लेंगे, अभी कल का दिन अच्छा निकलेगा। तो भाई किस्मत ख़राब हो तो इसको बोलते हैं, इनके पास सिर्फ चाय, मतलब चाय के साथ मट्ठी भी खाने के लिए नहीं है, तो ऐसे ही भाई ढाबा बंद कर घर चले, इतना बड़ा ढाबा खोल कर रखा, इतनी लाइट है, कम से कम बिस्किट वगैरह तो होने चाहिए ढाबे में, चाय उसके बाद कुछ ना कुछ खाने को जा, मतलब खाना भी तो चलो नहीं है, सुबह 4 बजे क्या होगा, तो आगे देखते कहाँ मिलेगा खाना, मतलब देखो चलेंगे तभी आगे। तो भाई वहाँ से और 2-4 किलोमीटर आ गया, आगे आए तो एक बाबा रामदेव ढाबा, राजस्थानी ढाबा मिला, तो यहाँ पे ही पूछा तो कहते हैं उन्होंने लांगरी उठाया, बोलते क्या दिक्कत होगी खाना ढूंढ रहे हो, अभी हमने बोला कि खाना रात से खाया नहीं, तो हम ऐसी जगह से आ रहे हैं, हमें ढाबा नहीं मिला, तो उन्होंने अपना जो है लांगरी उसको उठाया, तो बना रहे हैं अब सब्जी, दाल थी तड़का लगा रहे हैं उस पर, और रोटियाँ बना रहे हैं, तो चलो खाना खाएंगे, क्योंकि खाना खाना दिखाना उसके बाद का करते तो लेट हो जाते हैं, क्योंकि 4 बजे सोच रहे सोए या निकले अभी उसका कन्फर्म नहीं है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, तब तक मैं खाना वहाँ पे आता तब तक मैं टेबल पे बैठ के अपना ब्लॉग ऐड कर लूँगा, तो
सो भाई जिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें यार, मतलब देखो आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बात तो भूखे चलो एक आपके लिए भी कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, मतलब एक तो हार्डवर्क दिखा रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं आपको। तो सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें और पास से बने बेल आइकन को दबा दें यार भाई, मतलब आप सब्सक्राइब करते हो तो बहुत मोटिवेट मिलता है। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं अनदर ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।